दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में भारी बारिश जारी है। यूपी में कई दिनों से बारिश होने के कारण नदियां उफान पर हैं। उत्तर भारत ही नहीं दक्षिण भारत में भी भारी बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। अक्टूबर के शुरुआती सप्ताह में विदा होने वाला मानसून उत्तर भारत में सितम बरपा रहा है। नोरू चक्रवात की वजह से इसके पूरे महीने बने रहने की संभावना है। इस कारण हो रही बारिश के चलते दिल्ली NCR व उत्तर प्रदेश समेत अलग अलग राज्यों में जलभराव की स्थिति बन गई है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बारिश का दौर जारी रहेगा। दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी समेत कई राज्यों में रविवार को भी बारिश हो रही है। दिल्ली NCR में 24 घंटे से बारिश होने से कई इलाकों में जाम लग गया है। सोमवार को कामकाजी दिन होने की वजह से दिल्ली पुलिस ने यात्रियों को इसे ध्यान में रखकर लोगों को यात्रा की सलाह दी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2007 के बाद 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। रविवार को भारतीय मौसम विज्ञान के आंकड़ों के अनुसार शहर में रविवार सुबह 8:30 बजे तक 74 मिलीमीटर की लगातार बारिश हुई। इसके बाद पारा सामान्य से 10 डिग्री नीचे चला गया। वहीं लगातार बारिश के चलते प्रदूषण के स्तर में भी सुधार हुआ है। सुबह 9 बजे AQI 54 दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत 17 राज्यों में आने वाले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश का अनुमान है। यूपी, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में 11 अक्टूबर तक बारिश जारी रहेगी। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण मानसून के बाद भी बारिश हो रही है। चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र तटीय आंध्र प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है। एक ट्रफ रेखा चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र से तेलंगाना, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश तक फैली हुई है। दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के जिलों ठाणे, पालघर और कोंकण क्षेत्र के लिए अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 11 अक्टूबर के दौरान आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तरी कर्नाटक में भी 10 अक्टूबर को भारी बारिश हो सकती है। सीएम योगी ने ज्यादा बारिश से प्रभावित जिलों के जिला अधिकारियों को राहत कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। योगी ने कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुँचाई जाए। पशु हानि के केस में बिना देरी किए पीड़ितों को सहायता राशि प्रदान की जाए। गोरखपुर व आसपास के जनपदों में 4 दिन से भारी बारिश हो रही है। इससे वहां की नदियों के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। राप्ती नदी का जलस्तर 2017 के बाद इतनी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं सरयू नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटों में करीब 3 मीटर से अधिक जलस्तर बढ़ने के साथ ही रोहिन नदी एक बार फिर खतरे के निशान को पार कर गई है। प्रयागराज में अलग अलग घटनाओं में आकाशीय बिजली गिरने के कारण 3 लोगों की मौत हो गई है। 8 लोग झुलस गए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। योगी सरकार ने मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की घोषणा की है। वहीं कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। पूरे प्रदेश में वर्षा की गतिविधि बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि 12 अक्टूबर तक प्रदेश भीगेगा। हल्की बारिश का दौर 20 अक्टूबर या उसके बाद भी जारी रह सकता है। अगले 24 घंटों में ग्वालियर समेत 5 जिलों में अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मालवा, निमाड़ इलाके समेत 13 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।